आज हम बना रहे हैं वीडियो, है ना। किस चीज की वीडियो बना रहे हैं? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स की। पता है सबको? वेरी गुड। आज मैं आपको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में अंतर बताऊंगी क्या होता है। जैसे ये है लिविंग थिंग्स, तो मैं अभी पहले आपको लिविंग थिंग्स समझाऊंगी। लिविंग थिंग्स में क्या क्या होते हैं, वो ग्रो करते हैं। जैसे कि हमने मिट्टी में एक बीज डाला, ठीक है ना, बीज डाला, वो बीज क्या हो जाता है, उस पर पानी और सनलाइट पड़ के वो ग्रो करता है। ग्रो करके वो एक पेड़ बन जाता है। उस पेड़ पे क्या होते हैं, वो बढ़ लेता है, उस पर फ्लावर होते हैं, उस पर फ्रूट लगते हैं, ठीक है, वो बर्थ करता है। तो ये क्या है, ये ग्रो कर रहा है, ये लिविंग थिंग्स है। जैसे कि आप लोग हो, आप अभी छोटे हो, ठीक है ना, थोड़े दिनों बाद आप बड़े होंगे और बड़े हो जाएंगे, तो आप क्या कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तो आप क्या हो, लिविंग थिंग्स हो। अब ये देखो मुंह में क्या है, जैसे कि हम है, अब मैं हूँ, मैं क्या हूँ, लिविंग थिंग्स हूँ, मैं मूव कर रही हूँ, मैं इधर जा रही हूँ, मैं उधर जा रही हूँ, मैं बैठ रही हूँ, मैं उठ रही हूँ। जैसे एनिमल्स है, वो इधर से उधर जाते हैं, तो क्या करते हैं, मूव कर रहे हो। अब है फील। देखिए बेटा, लिविंग थिंग्स जो होते हैं उन्हें फील होता है। होता है फील? Yes, जैसे कि आप लोग हो, आपको हर्ट होता है, मैं आपको अगर डांटूंगी तो आपको फील होगा। Yes, अगर आपको कहीं पे गर्म लग रहा है तो आपको फील होता है। Yes, तो आप क्या हो, लिविंग थिंग्स हो। क्या हो? नीड फूड। लिविंग थिंग्स को किसकी जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है। जैसे कि रोटी है ना, दाल चावल जो भी है, जो जो चीज खाता है वो उनको खाने की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे कि एनिमल्स है, वो क्या करते हैं, जैसे घास खाते हैं, बहुत से एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फ्लैश जैसे मीट खाते हैं, ठीक है, तो उनको खाने की जरूरत होती है। अब हम क्या समझेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है ना। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, दे डू नॉट ग्रो, वो ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कार है, इतनी अगर हम कार लाएंगे तो इतनी ही रहेगी, वो बड़ी नहीं होगी। जैसे कि मानो ये मैम के पास मार्कर है, तो ये मार्कर आप अगर 10 साल बाद देखोगे तो ये मार्कर कितना ही रहेगा, ये बड़ा नहीं होगा, ये ग्रो नहीं करेगा। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो नहीं करते हैं, दे डू नॉट ग्रो। ओके, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, दे डू नॉट मूव। नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं करते हैं। जैसे कि आपकी क्या है, कार है, आपके पास ट्रक है, तो वो मूव करता है, नहीं करता है। आप बोलोगे नहीं मैम, कार तो यहाँ से वहाँ जाती है, वो मूव करती है। लेकिन वो मूव कैसे करती है, उसमें पेट्रोल डीजल CNG इसकी जरूरत पड़ती है। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो दे डू नॉट फील। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो फील नहीं करते हैं। जैसे कि क्या है, मैम की ये वाटर बोतल है, ये वाटर बोतल है। अब इस वाटर बोतल को अगर मैं डांटूंगी तो इसको फील होगा? नो, इसको फील नहीं होगा। ये नॉन लिविंग थिंग्स है, इसको हर्ट होगा? नहीं होगा। जो ब्रीथ नहीं करते हैं वो क्या करते हैं, वो फील नहीं करते हैं। जैसे कि ये डस्टर है, ये फील नहीं करता है। अगर हम इसको गर्म पानी में डालेंगे ये खराब हो जाएगा, लेकिन इसको दर्द नहीं होगा। डस्टर को दर्द होगा? नो, इस मार्कर को दर्द होता है, इसको
दे डू नॉट फील, इसको फील नहीं होता है, ठीक है ना। दे डू नॉट नीड फूड, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको खाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। नॉन लिविंग थिंग्स को खाने की जरूरत होती है? No, अब जैसे कि चेयर है, उसको खाने की जरूरत है चेयर को? No, आपका बैग है, खाने की जरूरत है? No, मार्कर है, इसको खाने की जरूरत है? No, तो ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। ये क्या है? वेरी गुड। अब ये देखिए आप लास्ट वाला, दे डू नॉट ब्रीथ, क्या होता है? सांस लेने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि चेयर है, बैग है, कार है, ट्रक है, ये ब्लैक बोर्ड है, मार्कर है, बोतल है, बुक्स है, कॉपीज है, ये सांस लेते हैं? नो, ये ब्रीथ नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो जो ब्रीथ नहीं करते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जो ब्रीथ करते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं। तो आपको आ गई समझ में? यस मैम। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में आपको पता चला लिविंग थिंग्स कौन है और नॉन लिविंग थिंग्स कौन है, बताइए। समझ में आया आप लोगों के? जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, है ना। तो अभी आपको समझाया तो आपको समझ में आया? Yes, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो नहीं करते हैं, है ना।